तो दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज हो चुकी है और आज मैं करूंगा इसी मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे मेन टॉपिक पर, पहले बात करें ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी की, तो यार स्टोरी वही है जो हमने ट्रेलर को देख के एक्सपेक्ट की थी। एक शिवा नाम का लड़का है जिसे ये नहीं पता कि वो खुद एक अस्त्र है और इस पूरी दुनिया में और भी अस्त्र है और उन अस्त्रों के रक्षक भी हैं और इन सभी अस्त्रों में सबसे ज्यादा पावरफुल अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, जो इस पूरी दुनिया का निर्माण और विनाश दोनों कर सकता है। और ये अस्त्र क्यों तीन टुकड़ों में है, किसने और क्यों इस अस्त्र के तीन टुकड़े किए, क्या होगा अगर ब्रह्मास्त्र के टुकड़े वापस जुड़ जाएंगे और क्या ये टुकड़े वापस जुड़ पाएंगे या नहीं, रणबीर कपूर के कैरेक्टर शिवा इन सभी चीज़ों का हिस्सा कैसे बनता है, ये सब और बहुत कुछ हमें मूवी में दिखाया जाता है। मूवी में कुछ कॉमेडी सीन्स भी है जिनमें थोड़ी बहुत हंसी आती है और बाकी जो VFX है मूवी के वो एकदम ही कमाल के हैं। हर एक अस्त्र को सिग्निफाई करने के लिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया गया है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें रणबीर कपूर के कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है और सभी अस्त्रों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, और जब इसका सेकेंड हाफ शुरू होता है तब हमें और भी नई बातें पता चलती है जो एंड तक हमें इंगेज करके रखती है और शुरू से लेके एंड तक मूवी एक डिसेंट वे में चलती रहती है। मूवी में जान डालने और गूज़बम्प्स का काम करता है इसका बैकग्राउंड स्कोर, जो यार आपको किसी भी पॉइंट पे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मूवी में कुछ हिडन डिटेल्स भी बताई गई है जो इस मूवी के पार्ट 2 से रिलेटेड है, और अगर आप उन डिटेल्स के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और अब बात करें इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो यार इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसके सॉन्ग्स, जो यार बोर करने में कोई भी असर नहीं छोड़ते। देखो यार गाने तो बहुत अच्छे हैं, सुनने में भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन यार एक सुपर हीरो मूवी में इतने ज़्यादा गाने होना मतलब कबाब में हड्डी, और जब लगता है कि आप शायद कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है तब एक गाना आ जाता है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इस मूवी की स्टोरी लाइन, जो यार एकदम सिंपल टाइप की स्टोरी है और इसमें भी इन्होंने लव स्टोरियाँ डाल रखी है, मतलब ये लोग चाहते तो इस मूवी की स्टोरी को काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते थे, लेकिन यार अब खैर जाने दो। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट है इसके डायलॉग्स, जो यार बिल्कुल भी ऑडियंस पे अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ते हैं और ऐसी फीलिंग आती है कि जो मुंह में आ रहा है बक रहे हैं। बस पूरी मूवी में अमिताभ सर के डायलॉग्स ही मीनिंगफुल लगते हैं। और अब फाइनली मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हैं तो यार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाना, मेरे हिसाब से यार ये एक वन टाइम वॉच मूवी है और मैं इस मूवी को 6/10 दूंगा। तो अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।